हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पाली डेस्क्यू पे में स्वागत है। मैं पीपी कुशवाहा, हम बात कर रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स थ्योरी के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का समरी बताया, जिसके साथ हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रॉइड दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। अब हम नया चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होता है, एक ही चैप्टर पर आता है मैकेनिक्स का, जो इंपॉर्टेंट है और थ्योरी वाला है। टोटल थ्योरी है, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो वाला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा केवल सिंपल मशीन का। तो आइए देखते हैं सिंपल मशीन में क्या है, हमको क्या पढ़ना है। दोस्तों, आ जाते हैं हम सिंपल मशीन वाले चैप्टर पे, जिसमें हमको जो पढ़ना है वो है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डिफिनेशन। दोस्तों, इस तरफ एक एक करके पढ़ना है, तो हम एक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बाकी हम तो आप सिलेबस देख ही चुके होंगे, सिलेबस जो है पूरा इसमें मिल रहा है बुक में, और इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया भी है, आर के राजपूत जी की है, या फिर आप अगर आपके पास चलती हो भारत भारती प्रकाशन, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं अब इसमें हमारा जो मशीन है वो क्या बोलता है। सिंपल मशीन आप जानते हैं, साधारण मशीनें। मशीन क्या है, पहली बात तो ये होता है, मशीन मतलब कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, एक छोटी सी भी चीज़ वो एक मशीन होती है। आप थ्री डी में पढ़े भी होंगे, एक बड़ा आमिर खान बड़ा 80-19 बोलता है सिंपल मशीन क्या है। मशीन वो है जो आपके काम को आसान करे। बिल्कुल उसी तरह मशीन वास्तव में वही चीज़ है। देखिए क्या है, ए मशीन मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रीवेंस आर अ डिवाइस विच रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूजेज इट फॉर डूइंग ए पार्टिकल यूजफुल वर्क। दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि एक मशीन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि मतलब एक मशीन वह युक्ति है या वह डिवाइस है जो एनर्जी को रिसीव करती है किसी भी दूसरे रूप में, किसी भी न किसी रूप में एनर्जी को प्राप्त करती है, और उसको एक पार्टिकुलर एक विशेष काम के लिए उसको हम प्रयोग करते हैं। मतलब कि एनर्जी को हम लेते हैं और उसको किसी काम में, उस मशीन के थ्रू किसी काम में वर्क करने के लिए लगा देते हैं। एक्चुअली अगर आपके बुक में एक सिंपल सा लाइन दिया होगा कि मशीन वह युक्ति है या वह डिवाइस है जो हमारे काम को आसान करती है। बस दोस्तों, जितनी मशीनें हमारे काम को आसान ही करती हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे स्टीम इंजन कन्वर्ट द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्टीम इनटू मोशन ऑफ ट्रांसलेशन। जो हमारी भाप वाष्प इंजन होती है, क्या होता है, जो भाप से हमको एनर्जी मिलती है उसको गति में बदल देता है। ट्रांसलेशन में सारी गति होती है जो आगे पीछे होती रहती है, उसमें हमको स्टीम इंजन को चेंज कर देता है। वहीं एक और दिया है, ए लिफ्टिंग मशीन मे बी डिफाइंड एज ए कंट्रीवेंस टू ओवरकम अ फोर्स आर लोड अप्लाइड वन पॉइंट बाई मीन्स ऑफ अनदर फोर्स कॉल्ड पी। दोस्तों देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, जो लिफ्टिंग मशीन होती है वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, एक ऐसा युक्ति होता है, वो भी एक युक्ति है या एक डिवाइस ही है, जिसको हम लोड को उठाने के लिए प्रयोग करते हैं। एक पॉइंट पर हमारा लोड होता है और दूसरे पॉइंट पर हम प्रयास एफर्ट लगा करके उसको उठाते हैं, तो हमारी होती है लिफ्टिंग मशीन। तो इन मोस्ट ऑफ केस, अधिकतर जो केस होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा पी है, जो हम डब्ल्यू से मतलब कि वेट से हमारा कम होता है, क्योंकि दोस्तों जो पी हम क्या है, पी हम लगाते हैं, जो हम काम करते हैं वो हमारा पी होता है, और जो हमको चाहिए वो डब्ल्यू होता है। जैसे हमारा कोई वेट उठाना है, किसी चीज़ को उठाना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी थोड़ी मेहनत लगी उसको उठाएंगे, तो हम क्या लगा रहे हैं, उसमें एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं। वहीं पे जो उठ रहा है, जिस चीज़ को हम उठा रहे हैं, वो हमारा डब्ल्यू, वो हमारा वेट है। तो अगर हम कम मेहनत से उठा पा रहे हैं अधिक सामान को, तभी तो हम मशीन का यूज करते हैं इसलिए कि हमारा मेहनत कम लगे। तो अधिकतर केस में क्या होता है, पी कम होता है, लेकिन कहीं कहीं हो जाता है कि डब्ल्यू ज़्यादा हो जाता है, और पी कम, पी ज़्यादा हो जाता है डब्ल्यू से। और यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए हुए हैं मशीन के, देखें क्या क्या है। जो मशीन है वहाँ पे एक द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है। आपने लीवर पढ़ा है, लीवर में हमने क्या होता है, एक जगह ऐसे कुछ लीवर बताया था, एक जगह एफर्ट लगा होता है, पी लगाते हैं, एक जगह वेट रखा होता है, एक जगह फलक्रम होता है। दोस्तों, कोई ना कोई पॉइंट होता है जहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं, जो हमारा प्रयास होता है वो हम लगाते हैं, और एक जगह हमारा वेट होता है। ये चीज़ होती है हमारी, एक मैकेनिज्म होती है, द वर्किंग पार्ट ऑफ बेस ऑफ मशीन। एक मैकेनिज्म क्या होती है, जिसके सहारे हम इसको मशीन बनाते हैं। जैसे ये भी एक मशीन ही है। अभी हमारा मैकेनिज्म क्या है कि एक लीवर मूवमेंट का यूज होता है, यहाँ पर ये फलक्रम पॉइंट होता है, इसका साथ करेंगे तो ये इसका ऊपर हो जाएगा। तो यही चीज़ हमारा मैकेनिज्म है। अभी हर मशीन में मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसको एक एक करके। वहीं द पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज डन, जहाँ पर एक हमारा विशेष काम किया जाता है, लोड इज लिफ्टेड, जहाँ पर एक लिफ्ट लोड को उठाया जाता है, हमारा क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है। तो हम इसके बाद मशीन को दो भागों में बांटे हैं, जैसे एक था सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन।
सिंपल मशीन को जो हमारा चैप्टर है और एक कंपाउंड मशीन। तो दोस्तों जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में सिंपल मशीन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जानकारी तो दोनों की रहनी चाहिए। तो ये देखते हैं दोनों क्या हैं। तो सिंपल मशीन हैज ओनली वन पॉइंट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड वन पॉइंट फॉर लोड। इट्स मैकेनिज्म इज सिंपल। सिंपल मशीन वह है जहाँ पर एक पॉइंट पर हम एप्लीकेशन जो प्रयास है वो लगाते हैं और एक पॉइंट पर हम लोड को उठा देते हैं। बस दो चीज़ होती हैं, एक एफर्ट एक लोड। इसका जो मैकेनिज्म है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, जो कार्य करने का तरीका है, वो बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मैंने बताया आपको लेबर इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है दोस्तों। जैसे मान लो हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे हमको कुछ चढ़ाना है, एक राउंड है, तो क्या करते हैं एक टेबल लगा देते हैं और यहाँ पर गोली चीज जैसे सरकार सरकार के यहाँ पर चढ़ा देते हैं, जो हमारी इंक्लाइंड प्लेन हो जाती है। फिर स्क्रू जैक जिससे हम कार को उठाते हैं वो भी हो जाती है, जो जिससे पेंच होती हैं घुमाते घुमाते हमारी कार उठ जाती है ऊपर। सेविंग मशीन या स्विंग मशीन है जिसको हम सिलाई मशीन बोलते हैं, ये सब केस में आती हैं, सिंपल मशीनें आती हैं। दोस्तों ये सब हमारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, भाई कोई भी पूछे सिंपल मशीन क्या है तो एग्जाम्पल के साथ उसको अच्छे से बता सकें। वहीं कंपाउंड मशीन ऐसी होती हैं जहाँ पर मोर देन वन पॉइंट फॉर एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड फॉर लोड। द इट्स मैकेनिज्म इज कंपाउंड आर कॉम्प्लिकेटेड। जो कंपाउंड मशीन होती हैं, जो यौगिक मशीन होती हैं, इसमें प्रयास लगाने के लिए कई सारे पॉइंट होते हैं। हम कहीं से भी इसको एफर्ट या प्रयास लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं से हम इसको लोड मतलब कि कई काम किसी न किसी प्रकार से कई जगहों पर अपना काम कर सकते हैं। इसका जो मैकेनिज्म होता है थोड़ा कठिन होता है, कंपाउंड वाला कि कई चीज़ों से मिला के हुआ होता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे प्रिंटिंग मशीन होती है हमारी, लेस मशीन, दोस्तों आप किसी खरादिया के पास जाएंगे तो मशीन होती है उसको बोलते हैं खरादिया मशीन। खराद मशीन दोस्तों देखो उसमें वो चूड़ी बना देता है आपका, स्क्रू भी बना देता है और ड्रिल भी कर देता है, ग्राइंड भी कर देता है, शेप भी दे देता है। तो हमारी लेथ मशीन होती है, मतलब कि कई चीज़ें वहाँ पर हो सकती हैं। मालिंग मशीन होती है, प्लेनर होता है जो हमारी सतह को प्लेन करते हैं, जो शेप प्रदान करते हैं। शेपर मशीन भी होती है जो हमारे कंपाउंड मशीन में आती है। दोस्तों ये हुए हमारे थोड़े मशीन के इंट्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर हम जो कुछ ऐसे शब्द यूज करने वाले हैं मशीन में, क्योंकि मशीन की भी एक भाषा होती है, जैसे हमारी एक भाषा है, मशीन की भी भाषा होती है। मशीन को पढ़ने से पहले उस भाषा को, उस शब्दों को जानना आवश्यक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ क्या होता है, तो दिया है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन प्योर नंबर। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक रेशियो क्या है, वेट लिफ्टेड, हम कितना वेट उठा रहे हैं, कितना लोड उठा रहे हैं और कितना प्रयास लगा रहे हैं उसके लिए, ये इसका रेशियो होता है। दोस्तों देखिए इसको याद करने का तरीका बोल जाएंगे, पी डब्ल्यू पान पी तो पी अपान डब्ल्यू क्या होता है, तो जानते हैं आप। ये हो गए वाइफ, ये हमारे हो गए पति जी। तो वाइफ क्या होती है, हमारा पति पे भारी होता है, भारी होती है, हमेशा सुनाती रहती है, वाइफ ऊपर ही होती है, अपनी बात मनवाती ही है, इसलिए हम क्या कर देंगे, वाइफ ऊपर पी पति नीचे। तो क्या हो गया, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपान पी, मतलब कि वेट अपान एफर्ट। दोस्तों ये याद करने का तरीका है, वाइफ अपान पति, आप आसानी से याद कर लेंगे। तो हमारा होता है मैकेनिकल एडवांटेज। फिर देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड डब्ल्यू टू द एफर्ट अप्लाइड, इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर नंबर डब्ल्यू बाई पी। मैकेनिकल एडवांटेज ये होता है। दोस्तों आपको अगर पता ना हो डब्ल्यू बाई पी, हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। डब्ल्यू क्या होता है, जिस हम काम को कर रहे हैं, करने वाले हैं, उसकी वेट कितना है, उसका वेट मान लीजिए, वो चीज़ तुम्हारा होता है वेट, जो हम काम कर रहे हैं। पी क्या होता है, जिसके द्वारा हम काम को करने वाले हैं। जैसे हम एग्जांपल लिया, हम क्या किए थे, लीवर था, हम यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, आसानी से यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके यहाँ से इसको घुमाएंगे, इसको उठाना है हमको, तो यहाँ पे एक आदमी बैठ गया, ठीक। तो क्या हुआ, ये इसका वजन जो हुआ, यह तुम्हारा एफर्ट लगा रहा है इसको उठाने के लिए, ये काम कर रहा है, तो ये हमारा हो जाता है एफर्ट। जिसको जिस काम को हम अंजाम देने वाले हैं, हमारा हो जाता है क्या, वेट। वहीं एक चीज़ आता है वेलोसिटी रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस। दोस्तों ये चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस वाई, वाई मूव्ड बाय एफर्ट, जो हमारा पी मूव कर रहा है उसका डिस्टेंस क्या है, हमारा वाई है, टू द डिस्टेंस एक्स, एक्स भी एक डिस्टेंस है किसका, मूव बाय लोड। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम चढ़ेंगे, मान लीजिए लगाया तो कुछ आएगा, हमारा पी है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, वाई, और जब ये ऊपर उठेगा तो क्या हो जाएगा, वाई यक्स। तो जो हमारा डब्ल्यू उठता है वो यक्स है और जो पी है वो वाई है। दोस्तों याद करने का सही तरीका पाई, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, पाई, पाई आप जानते हो पाइथन, उसका दो अक्षर ले लीजिए पाई, तो
पाई मतलब कि पी द्वारा जो चला जाता है वो डिस्टेंस क्या होती है, वाई, मतलब कि एफर्ट द्वारा जो डिस्टेंस चली जाती है वो हमारी होती है वाई। तो यहाँ पे क्या है, वाई अपान है एक्स, मतलब कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे लोड द्वारा, वेट द्वारा चली गई दूरी, तो हमारा हो जाता है वेगा अनुपात। दोस्तों इसको हिंदी बोलते हैं वेगा अनुपात, ये एक भी अनुपात ही है, किसका, पी अपान डब्ल्यू, मतलब कि जो हमारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी है और हमारा लोड द्वारा चली गई दूरी है उसका अनुपात है। फिर इनपुट ऑफ मशीन, जो हम मशीन को इनपुट दे रहे हैं, जो हम दे रहे हैं वो है निर्गत, सॉरी देखो दोस्तों हिंदी में ध्यान दीजिएगा, जो होगा आपको ध्यान दीजिएगा, इनपुट ऑफ मशीन, हम मशीन को कितनी ऊर्जा दे रहे हैं, इट इज़ द वर्क डन ऑन द मशीन, हम मशीन पर जो काम करते हैं हमारी होती है इनपुट, इन अ लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इफर्ट एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द इट इज इट हैज मूव्ड। किसी लिफ्टिंग मशीन में जो हमारी वर्क डन होती है वो लगाए गए प्रयास और उसके द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल का मात्रा होता है, गुणनफल होता है, बस इतना ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए यह फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपको बता दें, हमको पता है वर्क डन दे रहा है, वर्क डन क्या होता है, डब्ल्यू इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स हम क्या लगाते हैं, पी लगाते हैं, और पी द्वारा जो दूरी चली गई वो हमारी वाई है, तो क्या होगी हमारे पी इंटू वाई, तो हमारी की ये हो गई हमारी इनपुट। और आउटपुट कहाँ निकलेगा, आउटपुट हमको यही पता चलेगा कि हम कितना काम किए, तो आउटपुट मतलब हमको डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू जितना दूर चलेगा होगा डब्ल्यू इंटू एक्स, तो हमारा हो जाएगा आउटपुट। तो इट इज़ द एक्चुअल वर्क डन बाई द मशीन, ये हमारा एक्चुअल वर्क, वास्तविक काम होता है जो हमारे मशीन हमारे लिए करती है। और हमारे इन लिफ्टिंग मशीन इट इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द वेट लिफ्टेड एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज बीन लिफ्टेड। दोस्तों हम किसी काम, लोड हमारा कितना ऊपर उठता है उसी को देख करके हम इसको आउटपुट निकालते हैं, दोनों का गुणनफल कर देते हैं, हमारा आउटपुट मिल जाता है। अब देखते हैं एफिशिएंसी ऑफ मशीन क्या होती है, इट इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट ऑफ मशीन। देखो दोस्तों इसमें क्या हुआ, हम कितना इनपुट दिए और हमको कितना आउटपुट निकाल रहा है, जो आउटपुट निकाल रहा है भाई हमारी कितना मेहनत निकाल रहा है उसको ऊपर रखेंगे, जितना हम करें उसको नीचे करेंगे, तो ये हमारी होती है इफिशियंसी। तो ईटा इक्वल टू होता है, इसको दोस्तों ईटा बोलते हैं, तो ईटा इक्वल टू आउटपुट अपन इनपुट, तो आउटपुट मतलब कि निकाल मतलब ली गई ऊर्जा, लिया गया कार, मतलब कि डब्ल्यू इंटू एक्स, इनपुट क्या हो गया, इनपुट ऑफ मशीन मतलब कि पी इंटू वाई। दोस्तों अभी हम डेरिवेशन करेंगे तब यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी। इसको हमेशा हम क्या करते हैं, इसको हमेशा नहीं लगभग कहीं कहीं हम इसको परसेंटेज में ही व्यक्त करते हैं, कितनी परसेंट इसकी एफिशिएंसी है। आइडियल मशीन क्या होती है, ए मशीन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स एफिशिएंसी इज 100%, इन दिस केस आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट। दोस्तों देखिए दिया है हम एटा इक्वल टू, हम निकाला आउटपुट अपान इनपुट, दोस्तों होता क्या, जब 100% होगा तो ईटा इक्वल हो जाएगी एक और आउटपुट अपान इनपुट, तो ये निकल के आएगा आउटपुट बराबर इनपुट, मतलब कि हम जितना एफर्ट करें उतना ही हमको आउटपुट मिल जाए, जितना हम इनपुट दें उतना ही हमको आउटपुट मिल जाए, तो उससे अच्छा मशीन क्या हो सकता है, पूरे पूरे एफर्ट को ही हम क्या कर रहे हैं वर्क में हम अपना चेंज कर दे रहे हैं, तो हमारी हो जाती है आइडियल मशीन। अब दोस्तों यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है, रिलेशन बिटवीन एम ए मैकेनिकल एडवांटेज मतलब कि यांत्रिक लाभ, वी आर वेलासिटी रेशियो मतलब कि वेग अनुपात, एंड ईटा एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इनके बीच एक हमको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा। हम मानते हैं डब्ल्यू क्या है, लोड लिफ्टेड, जो हम लोड को उठा रहे हैं बाय द मशीन मशीन के द्वारा। पी क्या है, लोड को उठाने के लिए कितना प्रयास हमको करना है, एफर्ट करना है, उसको हम मानते हैं पी है। और जो वाई है दोस्तों ध्यान दीजिए, पाई वाई बताए हमें याद कर लें, पाई मतलब कि पी द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, पी क्या हमारा होता है एफर्ट, जो हमारा एफर्ट द्वारा प्रयास द्वारा चली गई दूरी है वो हमारा है वाई, और इस लोड को उठाने के लिए हम प्रयास करते हैं। यक्स है डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, लोड को उठाने लोड द्वारा जितनी दूरी चली गई उसको हम बोलते हैं यक्स, क्या यक्स है। ईटा क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द मशीन मशीन की दक्षता, दोस्तों एफिशिएंसी बोलते हैं हम क्या, दक्षता, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है ईटा। अब देखते हैं हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज क्या था, वाई अपान पति मतलब कि डब्ल्यू बाई पी, तो
एम ए क्या हो गया डब्ल्यू बाई पी, तो डब्ल्यू बाई पी यहाँ पे हमको इक्वेशन मिल गई, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो हमने पढ़ा वी आर वाई अपान एक्स, ये तो हमको पता चल गया दोस्तों, दोनों फार्मूले ये भी हमने ऊपर पढ़ चुके। इनपुट ऑफ मशीन क्या होता है पी इन टू वाई, ये भी हमने देखा। एफर्ट अप्लाइड गुड़े डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट हैज बीन मूव, हम एफर्ट लगाते हैं और एफर्ट जितना दूर चलता है उसका उसका गुणनफल होता है, प्रोडक्ट होता है। एंड आउटपुट, आउटपुट मशीन क्या होता है डब्ल्यू इन टू एक्स होता है, ये भी हमने देखा। अब हम इफिशेंसी वाला फॉर्मूला रख देते हैं, क्या आउटपुट अपान इनपुट। आउटपुट क्या होता है डब्ल्यू इन टू एक्स, ये हमारा हो गया। इनपुट हो गया पी इन टू वाई। अब देखिए अब हमने क्या किया, जब ये पी है इसको ऊपर कर दिया डब्ल्यू बाई पी, और जब एक्स को नीचे लाए तो हो जाएगा वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो यही दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए हमने डब्ल्यू बाई पी पढ़ा था क्या, एम ए होता है मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ, और वाई बाई एक्स हमने पढ़ा क्या होता है वेग अनुपात। तो ईटा इक्वल टू निकल के आ गया यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, या फिर आप ये याद कर लीजिए जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो ईटा टाइम्स वी आर होता है। चाहे इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं, ये फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, चाहे वो जो भी मशीन हो। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन अ मशीन, जो घर्षण है उसका क्या कार्य होता है एक मशीन में। हम जानते हैं कि जो मशीन होती है उसमें कहीं ना कहीं घर्षण जरूर लगता है किसी भी प्रकार में, उसके द्वारा क्या होता है हमारा जो प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है फ्रिक्शन के कारण, ठीक। देखिए कहाँ कहाँ खर्च होता है, एक होता है द टर्न इन टर्म्स ऑफ लॉस एफर्ट, हम ये निकाल सकते हैं कितना हमारा एफर्ट लॉस हो गया इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा चीज़ हो जाता है हम कितना लोड उठाए, लोड के टर्म में भी हम इसको निकाल सकते हैं कितना फ्रिक्शन हमारा लॉस हुआ। दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ समझने वाली बातें हैं। दोस्तों हम मानते हैं यहाँ पर कि हमारा जो पी है एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड, वास्तविक प्रयास है किसी लोड को उठाने के लिए या किए गए कार्य में वास्तविक प्रयास है। इसमें क्या है कंसीडर भी हमारा घर्षण है उसको भी हमने निहित किया हुआ है, उसको हमने लिया है। डब्ल्यू क्या एक्चुअल लोड है, इसमें भी हमारा फ्रिक्शन लिया हुआ है, हमारा घर्षण लिया है, लिए हैं उसको लिफ्टेड टू रेजिस्टेंस ओवरकम। और एफ डब्ल्यू आई क्या है आइडियल लोड है, इसमें जिसमें ऐसी मशीन जिसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो। एफ पी क्या है लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, हमारा एफर्ट जो हम प्रयास करें उसमें कितना फ्रिक्शन कर उसमें कितना लॉस हो रहा है वो हमारा एफ पी है, और जो हमारा लोड में लॉस हो रहा है हमारा एफ डब्ल्यू है। तो ध्यान दीजिए पी फर्स्ट मतलब एफर्ट, फ्रिक्शन एफर्ट मतलब कि लॉस ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू एफर्ट, और डब्ल्यू लॉस ऑफ लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। ध्यान दीजिएगा अब क्या है लॉस ऑफ एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन हम कैसे ले सकते हैं, हमारा कैसे निकालेंगे कि हमारा कितना घर्षण में लॉस हुआ। दोस्तों मान लीजिए हमारा एक्चुअल मशीन थी जिसमें घर्षण था, तो उसके लिए हमको अधिक मेहनत लगानी पड़ेगी काम करने के लिए, तो पी हमारा क्या होगा अधिक होगा माइनस। अब वहीं पर आइडियल मशीन हो गया लोग थोड़ा कम मेहनत करेंगे, फ्रिक्शन उसमें था ही नहीं, तुरंत हमारा काम हो गया, तो पी आई मतलब कि पी आई क्या होगा कम होगा। एफ पी निकालना है तो पी माइनस पी आई कर देंगे। अगर लोड निकालना है एफ डब्ल्यू, दोस्तों क्या होगा अगर हमारे कोई आइडियल लोड नहीं है मतलब कि आइडियल मशीन है, तो क्या होगा हम उतने ही फोर्स में उतने ही एफर्ट करके अधिक से अधिक लोड उठा पाएंगे, ठीक, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन में लॉस तो होगा ही नहीं, हमारा डब्ल्यू आई क्या होगा ज़्यादा होगा ग्रेटर देन डब्ल्यू से। तो वही है डब्ल्यू आई माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू हमारा कम होगा, वहीं पर अगर जिसमें फ्रिक्शन हो जाएगा फ्रिक्शन आएगा तो डब्ल्यू कम उठा पाएंगे लोड। तो ये चीज़ हमारा इस सीक्वेंस से आप इसको याद कर पाएंगे। अब हमको क्या करना है दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन, मशीन के रिवर्सिबिलिटी मतलब उल्टा काम करने की कंडीशन क्या क्या है। व्हेन द मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन ड्यू टू इट्स लोड एज द एफर्ट इज टोटली रिमूव्ड द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल। एक्चुअली हुआ क्या, मशीन क्या है अगर कोई मशीन अपने जो हमें लोड है उसके द्वारा ही काम करने लगे, उस लोड के द्वारा कार्य करने में योग्य है, और जब हम प्रयास को पूरी तरह से हटा लें, एग्जाम्पल थोड़ा समझिए, जैसे हमने मान लिया एक लीवर है, ठीक, सीधा लीवर, हम यहाँ पे एक लोड उठाए पी लगाए, यहाँ पे एक डब्लू लोड लगा के उठा रहे हैं। अब क्यों हम कुछ देर उठाए कुछ दूर तक ऊपर ले आए, लेकिन क्या किया अचानक इसको हटा दिए,
क्या होगा, फिर नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वही चीज़। अगर ऐसा चीज़ है पी को हटाने के बाद लोड द्वारा काम होने लगे तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। ठीक, एज सुन एज द एफर्ट रिमूव द वर्क डन ऑन द लोड विल बी इनपुट रेदर देन आउटपुट एंड हियर द इनपुट विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल लॉसेस। जो हमारा यहाँ पे इनपुट होगा वो फ्रिक्शन लॉस के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये डेरिवेशन आप में नहीं है, केवल ये समझिए यहाँ फिफ्टा, अगर अगर ईटा 50% से ज़्यादा है, मतलब इसकी दक्षता अधिक है 50% से, तो हमारी जो मशीन की होगी वो रिवर्सिबल मशीन होगी। अगर देखिए यहाँ पे पढ़िए, फॉर ए मशीन टू बी रिवर्सिबल द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन टू बी ग्रेटर देन 50%। रिवर्सिबल मशीन होने के लिए उस मशीन की दक्षता 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों ये आप डेरिवेशन आप में है नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना, 50% आपको याद रखना है। अगर ज़्यादा है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब वहीं पे है नॉन रिवर्सिबिलिटी आर ए रिवर्सिबल आर सेल्फ लॉकिंग मशीन। ये क्या होता है आपको भी हम एग्जाम्पल एक देंगे, आप इसको देखे भी होंगे। हमने देखा, जब आपने ऐसा सोचा तो आपके दिमाग में आएगा हाँ कई सार सभी मशीनें तो ऐसी होंगी कि हमने लोड को एफर्ट को हटा लिया तो लोड काम करने लगेगा फिर वापस हो जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, अभी देखिए आप। व्हेन द मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड देन द मशीन इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आर सेल्फ लॉकिंग मशीन। दोस्तों इसके नाम तीन हैं, नॉन रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, और सेल्फ लॉकिंग मशीन भी इसी को बोलते हैं। देखिए क्या है, अगर हम किसी काम किसी मशीन द्वारा कोई काम कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट को हटा लिए और काम अपने रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, जैसे हमने अभी लोड में कहा वो फिर वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो उस मशीन को बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और सेल्फ लॉकिंग मशीन। दोस्तों आप बोलेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई भी मशीन होगा उसमें हम जरूर कर पाएंगे, अगर एफर्ट हटा दें फिर वापस हो जाएगा उसी कंडीशन में चला जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप स्क्रू जैक देखे होंगे ऐसे इसी तरह, जो मतलब क्या इसी तरह होता है, यहाँ पे एक छोटा सा नील निकला होता है, इसमें ऐसे चूड़ी होती हैं, यहाँ पे हत्था जो इससे हम कार उठाते हैं, ट्रक भी उठाते हैं इसी से। क्या होता है, हम जब इसको घुमाते हैं तब तो हम एफर्ट लगाते हैं लेकिन लोड ऊपर उठता है, क्या हम जब इसको निकाल लेते हैं घुमाना बंद कर देते हैं क्या वापस ट्रक नीचे आ जाती है? नहीं, ये क्या होता है सेल्फ लॉक होता है, सेल्फ लॉक मशीन होती है, मतलब कि इरिवर्सिबल होती है, वापस तुरंत आने वाली नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या लॉक मशीन, लॉक मशीन क्या है, इसको ध्यान देना है, इसको पढ़ना है। इसमें हम अगले लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। आपको बता दें इस पे हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, कम से कम 10 मिनट का एनिमेशन वीडियो है, आप नीचे एनिमेशन वीडियो प्लेलिस्ट में लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लेंगे, आपको ये डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर भी एनिमेशन के थ्रू। वहीं पर अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो लॉक मशीन है गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्ट। जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब जो प्रयास लगा रहे हैं और जो लोड को उठा रहे हैं, उनके दोनों में एक संबंध स्थापित करता है कि हमारा लॉ ऑफ मशीन, बस और कुछ नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिखना है लॉ ऑफ मशीन में, इतना लॉ ऑफ मशीन, जो मशीन का लॉ है, मशीन का नियम, एक लगाए गए प्रयास और उठाए गए भार में एक संबंध देता है, बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखनी है, क्या पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। ये क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं। पी ऐसे आप जानते हैं, पी क्या है, एफर्ट हम यही मान रहे हैं, डब्ल्यू एक लोड होता है, एम और सी अभी आप समझ जाएंगे क्या होता है। ठीक दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन है, इसको भी आपको ध्यान देना है, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। एम क्या है, कांस्टेंट है या ग्रेडियंट मान सकते हैं, और ये क्या है, ए सी फ्रिक्शन कांस्टेंट है, घर्षण गुणांक है, फ्रिक्शन नियतांक है। देखिए अगर दोस्तों हमारी कोई आइडियल मशीन होती है, जो जैसे हम प्रयास लगाते हैं उसी तरह हमारा तुरंत लोड उठना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कोई भी मशीन में जब हम स्टार्टिंग में लोड प्रयास करते हैं, मतलब कि हिम्मत अपना लगाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, तो कुछ चीज़ें क्या फ्रिक्शन में चली जाती हैं, फिर उसके बाद हमारा लोड उठना स्टार्ट होता है। तो यहीं पे हमारा एक रिलेशन देता है एम डब्ल्यू प्लस सी। आइए देखते हैं, ये तुम्हारे एम डब्ल्यू प्लस सी। अब यहीं पर हमको मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी निकालनी होती है, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी से। दोस्तों एक ग्राफ है, इसको हम थोड़ा अभी लास्ट में आपको जब बताएंगे तो आप क्लियरफाई हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये चीज़ हम जान लेते हैं। देखिए क्या है, हमने जाना पी क्या है, एक एफर्ट है, एफर्ट इक्वल टू हमारा अभी इस केस में हो गया एम डब्ल्यू प्लस सी। तो
आप देखिए मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ जब निकाल लेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू अपान पी, वाई अपान पति, या फिर वेट मतलब कि लोड अपान एफ आर डिफर्ड। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो डब्ल्यू हो गया, पी हमारा क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू प्लस सी, एम डब्ल्यू प्लस सी। आप देखिए हमने डब्ल्यू से नीचे डिवाइड कर दिया, डब्ल्यू से ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी, एम डब्ल्यू प्लस सी, इसको भी हमने डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, डब्ल्यू डब्ल्यू करके एक हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू करके एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा सी बाई डब्ल्यू, तो हुआ वन अपान एम प्लस सी बाई डब्ल्यू। दोस्तों देखिए अगर हमारा क्या होता है, किसी मशीन का जो फ्रिक्शन और कांस्टेंट होता है इतना फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा। अब हम डब्ल्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं, मानी पहले फ्रिक्शन एक ही था, हमने डब्ल्यू लोड हमारा था एक ही किलो उठाया तो हमारा एक था, लेकिन हमने फिर एक फ्रिक्शन तो एक ही है, हमने दो दो न्यूटन उठाया लोड तो एक हमारा 0.5 हो गया। दोस्तों आप जानते हैं इतना हम कुछ उठाने वाले नहीं हैं, अधिकतर हम रहते हैं टन में चलते हैं, मतलब कि बहुत हाई क्वेश्चन, मतलब डब्ल्यू हमारा क्या होता है बहुत बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके कंपेरिजन और क्या होता है सी बहुत कम होता है। और जब हम एक मतलब इतने एक बहुत से ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो क्या 0.0000 कुछ समथिंग आएगा, तो हमारा ये टर्म क्या हो जाता है लगभग जीरो से बराबर हो जाता है। तो अब क्या, अब ये जीरो जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/m, क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो गया, तो एम ए मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/m। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज एम के व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एम क्या है अभी ग्रेडियंट है, अभी हम आपको दिखाएंगे क्या है ग्राफ के थ्रू। अब वही बात करने वाले हैं, ये हमारा हो गया एम ए मैक्स इक्वल टू 1/m। हम ईटा मैक्स की बात करेंगे, जब ईटा मैक्स मतलब कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे एम ए बाई वी आर हमने पढ़ा भी है, तो एम ए मैक्स रखेंगे, हाँ एम ए बजाय एम ए मैक्स रखेंगे, वी आर रखेंगे, तो एम ए मैक्स हमने निकाला 1/m, तो क्या हो जाएगा 1/m इंटू वी आर। दोस्तों ये हमको दो फार्मूले मिल जाते हैं। अब आते हैं ग्राफ जो हम आपको बताने वाले थे, अब देखिए क्या है, हम आते हैं ग्राफ पे। दोस्तों इस साइड क्या है हमारा W है, इस साइड हम W लगाएंगे, इस साइड हमारा P लगेगा वेट। अब देख क्या होता है दोस्तों, अगर हमारी आइडियल मशीन होती मतलब कोई जो बिल्कुल आदर्श मशीन होती है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तो हमारा क्या होता है जैसे हम एफर्ट लगाते हैं हमारा W चलता बढ़ता चला जाता, काम होता चला जाता, लेकिन ऐसी मशीन नहीं, इसमें कुछ कांस्टेंट है, कुछ फ्रिक्शन है, तो हमको इतना एफर्ट लगाएंगे पहले तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कि हमारा फ्रिक्शन क्या है वो कम हो जाए घट जाए, उसके लिए हम कुछ फोर्स लगाए इतना कितना सी तुम्हारा हो गया फ्रिक्शन वाला कंस्टेंट हो गया। अब यहाँ जब हमने एफर्ट लगाया, जब हमने यहाँ पे एफर्ट लगाया पे लगाया, तब यहाँ से काम होना स्टार्ट हुआ हमारा इतना, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन बनती है। लीनियर इक्वेशन क्या होता है एम एक्स प्लस वाई वही होता है एम एक्स प्लस सी, तो वही पी इक्वल हो गया एम डब्ल्यू प्लस सी। एम क्या है हमारा ग्रेडियंट है, जैसे ये हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, ये हमारा हो जाता है एम अल्फा, जो है अल्फा ग्रेडियंट जो है हमारा एम होता है, ये हमारा एम है, और सी क्या है हमारा ये कांस्टेंट है, आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार कुछ इस तरह ग्राफ बनता है। दोस्तों एक ग्राफ ध्यान दीजिएगा, जब हमने पी वन लगाया तो हमारा डब्ल्यू वन लोड उठा, जब हमने पी टू लगाया तो डब्ल्यू, जैसे जैसे पी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है डब्ल्यू भी बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कुछ चीज़ निकल के आती है, और ये एक इफिशेंसी कर्व है। दोस्तों देखिए ये वाला एक कर्व जो डॉटेड लिखा हुआ है ये वाला, ये हमारा ईटा और डब्ल्यू, इसको बोलते हैं इफिशेंसी या लोड ग्राफ, इफिशेंसी एंड लोड कर्व, ये कुछ इस तरह बनता है। अभी आपको यहाँ पे पूरा निष्कर्ष निकालने वाले हैं, देखिए तीन कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेज विथ लोड, जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बढ़ता चला जाता है, मतलब कि W इंक्रीज एम ए भी आल्सो इंक्रीज, ईटा आल्सो इंक्रीज विथ लोड, मतलब कि हमारा इफिशेंसी जो है वो भी W को बढ़ाने पर एफिशिएंसी क्या होती है बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। एम ए विल बी मैक्सिमम एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ लोड, जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है जो हमारा लोड का अधिक वैल्यू सबसे मैक्सिमम पॉइंट लोड का होगा वहीं पर हमारा जो होगा मैकेनिकल एडवांटेज अधिक होगा, यही हमारे यहाँ से निकला। और ईटा विल बी आल्सो मैक्सिमम एट वेरी हाई वैल्यू ऑफ लोड, अगर हमारा लोड की वैल्यू बहुत अधिक है तो हमारा जो दक्षता है मशीन की वो भी अधिक होगी। दोस्तों ये चीज़ें हमारी यहाँ से निकल के आती हैं। अगर आपको दोस्तों और जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे 10 मिनट का वीडियो देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज लाभ मशीन डालिए लाभ मशीन हिंदी पर डेस्क यूपी का एक चैनल का लिंक आपको वीडियो मिलेगा, शायद 1 या 2 पे रैंक कर रही है, तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं आसानी से, वहाँ भी ग्राफ दिया है एनिमेशन के थ्रू समझाया है आपको, एक एक चीज़ बढ़िया समझाया गया है, तो आप वहाँ से देखिए समझ जरूर आएगा। अगले लेक्चर हम बात करने वाले हैं
इसके कुछ न्यूमेरिकल के बारे में, एक्वेरियम करने क्या वाले हैं। अभी हमने इसको पढ़ा, अगले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल क्या हैं इसके इसके, फिर उसके बाद हम एक एक मशीन को लेक्चर वाइज पढ़ते चले जाएंगे, उसका मशीन फिर उसके न्यूमेरिकल, मशीन फिर न्यूमेरिकल, जैसे व्हील एंड एक्सल हो गया, स्क्रू जैक हो गया, ये सब थ्योरी और न्यूमेरिकल उनके सब साथ साथ चलेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।